मैं वहाँ वहाँ जॉब्स करके छोड़ चुका हूँ जहाँ जहाँ का मैंने सोचा भी नहीं था, ठीक है। ऐसी ऐसी जगहों पे काम करके छोड़ दिया है जहाँ के बारे में लोग सोचते हैं। और इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आ जाइएगा, ठीक है। बारह रेस्टोरेंट की लाइन, टूरिज्म की लाइन, हर तरह की फील्ड में काम मिल जाता है तुर्की में, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि अभी हमें इस्तंबुल तक आ गए तो फैक्ट्री तक ही मैं दूर नहीं रहना चाहिए। फैक्ट्री में रहोगे लेबर की हत्या की रह जाओगे, इससे आगे नहीं निकलने वाले, ठीक है मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि मेरी हर नया आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। लास्ट टाइम भी मैंने वेटर के हवाले से वीडियो डाली थी, काफ़ी लोगों ने रابطہ वगैरह भी किया, मैंने नंबर वगैरह भी दिया दोस्त का। तो बहरहाल कुछ लोगों को अपने अपने मर्ज़ी होती है, इसमें क्या कह सकते हैं। तो अभी फिर भी हमें उसी रेस्टोरेंट में वेटर की दोबारा से ज़रूरत है। इसके अलावा एक जगह रेस्टोरेंट में डिश वाशर की ज़रूरत है और एक जगह हेल्पर की ज़रूरत है, ठीक है। तीन जॉब्स हैं तो बार बार लोग मैसेजेस करते रहते हैं, जिस टाइम ज़रूरत होती है उस टाइम कोई भी नहीं रابطہ कर रहा होता, ठीक है। ये दोबारा से वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, जो लोग इस्तंबुल में मौजूद हैं, सिर्फ देखने वालों से एक गुजारिश है, जो लोग इस्तंबुल में मौजूद हैं काइंडली सिर्फ वही रابطہ किया करें। जो लोग पाकिस्तान में बैठे होते हैं या तुर्की से बाहर हैं, कहीं पर भी हैं दुनिया में, भाई वो लोग रابطہ ना किया करें। ये जो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ इस्तंबुल में मौजूद लोगों के लिए बनाता हूँ। तो जो लोग जो भी अभी इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, जो जो भी फारिग है, जॉब करना चाहता है या जॉब करना या जॉब ढूंढ रहा है या अपनी किसी जॉब से तंग है, जॉब चेंज करना चाहता है, तो भाई उसको भी वेलकम है एनी टाइम, वो भी रابطہ कर सकता है। नया है लेकिन इलीगल मत हो, इलीगल हजरात से मैं माजरा चाहूँगा। मोस्टली लोग इधर लीगल लोगों को ही रखते हैं, इलीगल लोगों को फैक्ट्री वगैरह में काम मिलता है। और अगर कोई इधर पे TRC वगैरह है जिसके पास किसी के पास और फैक्ट्रियों में काम कर रहा है, मोस्टली जो मैंने अभी तक देखा है ना पिछले 4-5 सालों में, वो यही देखा है जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं भाई, वो फैक्ट्रियों से आगे नहीं निकलते, उनको लगता है दुनिया यहीं पे ही है। मेरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं खुद अपने एक्सपीरियंसेस, अगर आप मेरे मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए। मैं वहाँ वहाँ जॉब्स करके छोड़ चुका हूँ जहाँ जहाँ का मैंने सोचा भी नहीं था, ठीक है। ऐसी ऐसी जगहों पर काम करके छोड़ दिया है जहाँ के बारे में लोग सोचते हैं, ठीक है भाई। तो दुनिया को दौरा घूमो, लोगों से मिलो, लोगों से जुलो, गपशप बनाओ, अपने ताल्लुकात बनाओ, ठीक है। फैक्ट्री में रहोगे लेबर की हत्या की रह जाओगे, इससे आगे नहीं निकलने वाले, ठीक है मेरे भाई। बंदे को ख़ुद भी कुछ करना पड़ता है, अल्लाह उनकी कभी मदद नहीं करता जो अपनी मदद खुद करना पसंद नहीं करते। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे निकलो, अगर आप इस्तंबुल तक आ गए तो फैक्ट्री तक ही मैं दूर नहीं रहना चाहिए, ये मेरा पर्सनल मशवरा है आपको। अमल करना चाहो तो कर सकते हो, ना करना चाहो तो भी आपकी ज़िंदगी है, मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता किसी पर। बारह रेस्टोरेंट की लाइन, टूरिज़्म की लाइन, हर तरह की फील्ड में काम मिल जाता है तुर्की में, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि अभी हमें वेटर की ज़रूरत है, ये भी रेस्टोरेंट की लाइन में ही आता है, डिश वॉशिंग भी रेस्टोरेंट की लाइन में ही आता है, हेल्पिंग भी रेस्टोरेंट की लाइन में ही आता है। तो जो भाई भी इस्तंबुल में इस टाइम मौजूद है, क्योंकि पहले भी लोग रابطہ करते थे, काम नहीं होता था, जब काम है तो अब कोई रابطہ नहीं कर रहा, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ कोई कर रहा है जहाँ उसको अच्छा लग गया, करते रहना चाहिए, लेकिन बेहतर की तरफ मूवमेंट लाजमी करना चाहिए, मैं यही मशवरा दूंगा। अगर आप क्योंकि फैक्ट्रियों में भाई मैं भी काम कर चुका हूँ, ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह कभी आपके साथ वो भी शेयर करूँगा, इसीलिए मैं फैक्ट्रियों की तरफ दोबारा नहीं जाता। तो दूसरे जो भाई लोग जो भी फैक्ट्रियों से अगर तंग आ गए हैं या दूसरे काम ढूंढ रहे हैं जो इस्तंबुल में मौजूद हैं, उन सबको यही कहूँगा भाई इस टाइम हमें वेटर की ज़रूरत है, एक जगह डिश वॉशर की ज़रूरत है और हेल्पर की ज़रूरत है। अगर आप में से कोई भी जिसको भी ये जॉब्स करनी है वो रابطہ कर ले एनी टाइम, और इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आ जाइएगा, ठीक है। डायरेक्ट अपना व्हाट्सअप नंबर दे दीजिएगा, सैलरी वगैरह पूछने की आपको ज़रूरत नहीं है, सैलरी कम से कम 2800 तो मिलती है, बाद जगह 2500 भी मिलती है, ठीक है। बाकी आप लोगों के काम के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपको तुर्की में रह रहे हो, इस्तंबुल में रह रहे हो, आपको पता है इधर पे क्या हालात है इस टाइम, ठीक है। बाकी कम से कम 2500 सैलरी हर जगह मिल जाती है। वेटर के काम में डिपेंड करता है आपको काम आता है या नहीं आता, ये हर फील्ड में डिपेंड करता है कि आपको काम आता है या नहीं आता, कितनी चीज़ें आपको समझ आती कितनी नहीं आती, पास्ट टाइम सैलरी उस पर भी डिपेंड करती है। तो आप फेस टू फेस जाके मिल लेना, जहाँ पे भी हमें वेटर की ज़रूरत है वहाँ भी, डिश वाशर और हेल्पर हमें तकसीम में चाहिए, वेटर हमें सुल्तान अहमद में चाहिए, ठीक है। तो जो भाई भी फैक्ट्रियों वालों को तो मैं ख़ास बोलूँगा भाई, अगर TRC पे और फैक्ट्रियों में भी काम कर रहे हो तो कोशिश करो बाहर निकलो, दुनिया से मिलो जुलो। जब तक आप बाहर निकलोगे नहीं, लोगों से मिले जुलोगे नहीं, तो आप फैक्ट्रियों के फैक्ट्रियों में दूसरे रह जाओगे, उससे बाहर आप नहीं निकल सकते। तो जो भाई भी रابطہ करे उसको मेरी बस इतनी सी गुजारिश है, अपना डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर दे दे,
हम लोगों ने इधर पे बकायदा इस्तांबुल में लोगों ने ग्रुप भी बनाया हुआ है, जहाँ कहीं आगे पीछे काम आता रहता है, तो उसको मैं डायरेक्ट उस ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा बकायदा वेटर के लिए, जो हमें रिक्वायर्ड है ख़ास इस टाइम वेटर के लिए बोलूँगा, और एक डिशवाशर की ये बहुत अर्जेंट ज़रूरत है। ठीक है, जो भाई ये काम करना चाहता हो वो रब्ता कर ले और अपना डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर दे दे, उसको ख़ुद हम रब्ता कर लेंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त, मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।